प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात आप सभी का। पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहाँ आज हम लोग पुनः एक बार जुड़ चुके हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, जिस पर विषय विशेषज्ञ के रूप में मैं स्वयं आज आप पे थोड़ी सी चर्चा विमर्श परिचर्चा करूंगा। और आज का जो हमारा विषय है वो आपके AECC, जो आपका पेपर है AECC 2, AECC 2 के ब्लॉक तीसरे का जो पेपर है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में यह पेपर है और यह पेपर आपके पाठ्यक्रम में शब्द ज्ञान के रूप में प्रस्तुत है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग शब्द रूप, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना वक्त को जाया करें मैं सबसे पहले आरंभ करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। आप सब लगातार निरंतर रूप से आते हैं, कक्षा में जुड़ते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं। प्रश्न पूछना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना प्रश्न के एक द्वंद्व सा मन में रह जाता है कि मेरी कहीं बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसमें इस द्वंद्व को दूर करने के लिए प्रश्न का आना बहुत जरूरी है। प्रश्न जब आते हैं तो आप और मैं, हम दोनों ही कुछ नई नवीन चीजों को सीखते हैं। तो इसलिए आप सबों का धन्यवाद। आप सबों से आशा रहेगी कि इस सत्र के, इस व्याख्यान के उपरांत, इस व्याख्यान के समाप्ति के उपरांत अपने प्रश्न इस चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग लिख करके रखें। और विशेष अनुरोध यह रहेगा कि कक्षा के उपरांत, कक्षा के मध्य में आप लोग अपने माइक को अनम्यूट ना करें, अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पे आते हैं और शुरुआत करते हैं आज के विषय पे। आज का जो विषय है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के दो इकाइयां हैं। पहला इकाई है जिसके अंतर्गत हम लोग शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, यानी शब्द और वाक्यों के बारे में जानेंगे। उसी के बाद फिर दूसरी इकाई में हम लोग पर्यायवाची और विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द शब्द पे आते हैं, शब्द पे हल्की फुल्की चर्चा करते हैं। शब्द, एक शब्द के रूप में आप और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सुनते ही आ रहे हैं। शब्द, शब्द से क्या तात्पर्य है? जब आप और हम पहली बार शब्द सुनते हैं तो शब्द का मतलब होता है, जो मानस में जो पहली चीज आती है, वर्ड। सीधे सीधे तौर पर शब्द क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में, आपके मानस में, आपके मन मस्तिष्क में एक शब्द, एक ही चीज आती है, वो आता है वर्ड। तो वर्ड कभी भी शब्द का समारूपी या शब्द का अर्थ नहीं है, यह अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद कह सकते हैं। शब्द का अर्थ साधारण शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ, तो भी कोई आपसे पूछे कि शब्द क्या होता है, जैसा आपको, मुझे पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण किसे, जिसे आप लोग, हम अंग्रेजी में अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे वर्ण के रूप में जाना जाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा क्या है? भाषा जिसमें आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो जो माध्यम है मेरे संप्रेषण का, आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने का, उस वह माध्यम है भाषा। भाषा के माध्यम से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं वही बोलूंगा। अब अपन के क्वेश्चन भलो क्वेश्चन, यहाँ मैं ओडिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यह भाषा होती है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? भाषा के निर्माण के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वर्ण। वर्ण जिसे हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट के रूप में जानते हैं, अल्फाबेट, वर्ण का अंग्रेजी रूपांतरण अल्फाबेट है। तो वर्ण, हिंदी में हर भाषा के अपने वर्ण होती है। हिंदी में वर्ण जो जिसे हम आ जिसे है ना, हिंदी के वर्ण जैसे अंग्रेजी के ABCDA to Z, वैसे हिंदी के अ से ज, तो यह वर्ण है। यही वर्ण क्या होते हैं, जुड़ते हैं आपस में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अर्थात अगर मैं, आप लोगों ने अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ, यह आप लोगों ने, तो छोटे समय बच्चे को आप देखें आपके आस पड़ोस में, घर में, या आप भी रहे होंगे, जब बच्चे रहे होंगे, याद कीजिए, शुरुआत में हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है घरों पे होती है। माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, हमसे बात करते हैं, कहते हैं ना माता, जब बच्चे छोटे रहते, आप लोगों ने देखा होगा, पापा बोलो, मम्मी बोलो या माँ बोलो, ये सब चीजें। तो ये जो होता है, ये संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थी सीखता है, वो बच्चा संप्रेषण के द्वारा सीखता है। इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आप मनोविज्ञान में जाएंगे तो उसमें आप वाइगोस्की को पढ़ेंगे, वो एक स्कीमा बनता है, वो अलग चीज है। लेकिन और उससे जब थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसे घर में लिखित रूप में शिक्षा, वर्णों की शिक्षा दी जाती है, कि वह तो मौखिक रूप से तक शिवजी को बोलना सीख जाता है। इसे इसे वाटर बोतल कहना है,
या पानी का बोतल कहना है, या पानी कहना है तो पानी नहीं कह पाएगा मुझे, अच्छा वो छोटा बच्चा पानी नहीं कह पाएगा तो पा 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 नी नी नी, इस तरह से कुछ एक अपने शब्दों संकेतों को माध्यम से सिखाएगा, लेकिन अपने बात उसे स्पष्ट रूप से मैं कहने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। तो ये भाषा कैसी होती है, इस भाषा को बनने के पीछे बहुत कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला माध्यम होता है वर्ण, वर्ण यानी कि अल्फाबेट। तो माता पिता उसके शुरुआती शिक्षा में उसे वर्ण वगैरह सिखाते हैं, वर्ण यानी कि आ आ ई, अंग्रेजी का ABCD, ओडिया का आ, या जो भी उसकी भाषा रही है मातृभाषा, उस भाषा में उसे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वो जब वर्णों को सीखता है तो उसके बाद उसे वर्णों को जोड़ना सिखाया जाता है छोटे छोटे। आप लोग कभी किसी पुस्तक को उठा के देखिएगा, छोटे बच्चों की किताबों को, नर्सरी KG क्लास 1 के विद्यार्थियों को, तो वहां देखा लिखा होता है आ तो अलग रहता है, फिर दो शब्द, दो दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द ये लिखा जाता है। जैसे आम, ये दो वर्ण हो गए, अनार, ये तीन वर्ण हो गए, आना आना ये दो वर्ण हो गए, जाना दो वर्ण हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें सिखाया जाता है, उनके मानस में डाला जाता है। फिर ये जब छोटे 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 वर्ण से जो छोटे छोटे शब्द बनते हैं, दो दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द, चार वर्णों के शब्द, इन्हें फिर सार्थक रूप में जोड़ा जाता है। सार्थक रूप में क्या, जिनसे उनका कोई अर्थ निकल सके। सार्थक कहने का मतलब है जिनसे कोई अर्थ निकल सके। अगर मैं यहाँ पे एक शब्द आप लोगों के समक्ष रख दूँ कि राम कुत्ता डंडा मारा, ये कुछ इसका मीनिंग बनता है, राम कुत्ता डंडा मारा, कुछ नहीं, ये सब अपने आप में एक शब्द है, ये वर्णों से बने हुए शब्द है। राम र में आ की मात्रा और म लगा हुआ वर्ण से बना हुआ है। लेकिन जब मैं किसी को सार्थक रूप में, सार्थक रूप में क्या, उसे किसी भाषा के रूप में, उसे सार्थक शब्दों के समूह के रूप में आपके समक्ष पेश करूंगा, जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, यह एक तरह से आप सबके समक्ष एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत होता है, इसे आप समझ पाते हैं। लेकिन यह वाक्य कैसे बना, ये शब्दों से बना। उस शब्द वहां पे उठाया मैंने, जैसे मैंने राम कहा, कुत्ता कहा, डंडा कहा, मारा, ये शब्द हुए। इस शब्द को फिर हम लोगों ने सार्थक रूप से व्याकरण के बहुत सारे नियमों के आधार पर उसे सजाया है, जिससे कि वह आपके और मेरे मानस में बना है, एक अर्थ के रूप में बना है, जिससे हम लोगों ने समझ पाया, अच्छा राम एक व्यक्ति है जिसने डंडे का उपयोग करके, डंडा उसका एक साधन है, उसका प्रयोग करके एक कुत्ते को उसने प्रहार किया, तो कुत्ते को मारा, तो यह एक अर्थ के रूप में आपके समझ जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है, वर्णों के ही सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण के समूह यानी छोटे 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 समूह जो सार्थक हो, यानी कि वह किसी संकेत करें। जब हम आम कहते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में फल बनता है ना, अच्छा मीठा सा फल होता है, जिसके जो पीला सा रहता है वो पेड़ में उगता है, इस तरह का दिखता है। जब हम कमल की बात करते हैं, अच्छा कमल यानी कि एक फूल है जो ईश्वर पर चढ़ाया जाता है, कीचड़ों में खिलता है, उसका पत्ता बड़ा रहता है, उसकी जड़ें नीचे रहती है, पानी के नीचे ऊपर फूलता है, पिंक कलर का देखने को रहता है। तो ये सार्थक हमारे मन मस्तिष्क में सार्थक रूप में शब्द है, एक सार्थक छवि बना रहे हैं। तो वर्णों के यही सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और यही शब्द एक से या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि कहलाती है। यही शब्द जो है आगे चल करके एक से या अधिक वर्ण, माने एक दो तीन चार वर्णों की संख्या अंग्रेजी में 26 है, हिंदी में उसके दोगुनी, हिंदी में उसके दोगुनी लगभग 52 मानी जाती है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो यह एक वर्ण है, वर्ण से वह शब्द बना, शब्द से वह ध्वनि बनी, ध्वनि जैसा कुछ अर्थ निकला, उसके बाद फिर वह आगे चलते हैं कि आपके और हमारे समक्ष एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत होती है। तो शब्द का साधारण सा अर्थ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यह हुआ शब्द की परिभाषा, उचित परिभाषा जो आपको जाननी बहुत आवश्यक है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस भाषा को पढ़ रहे हैं वह भाषा क्या है, वह भाषा कैसे बनी है, उस भाषा के बनने के पीछे कारण क्या है। ऐसे ही तो किसी दिन आम एक शब्द तो नहीं आ गया, उस शब्द आम के बनने के पीछे बहुत सारे कारण, व्याकरणिक कारण है, शाब्दिक कारण है, आर्थिक कारण है, बहुत कुछ कारण है, जिसलिए उसे आम कहा जाता है। क्यों नहीं उसे अनार कहते हैं, अनार कहने के पीछे उसके कुछ जरूर गुण है, अनार के अलग कुछ गुण है, आम के दोनों फल हैं, फल की संख्या में आते हैं, लेकिन दोनों के गुणों के बारे में जब बात की जाती है, दोनों के गुण अलग है, एक में बीज होता है, एक में पल्प होता है,
एक लाल रंग का दिखता है, एक पीले रंग का दिखता है, दोनों के गुणों में कुछ अंतर रहा है, इस कारण दोनों के नामों में, दोनों के शाब्दिक नामों में, दोनों के शब्दार्थों में, दोनों के नामों के बनने के पीछे के कारण में भी अंतर रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको समझ, जब हम शब्दों की बात करते हैं तो एक वर्ण से निर्मित शब्द, एक वर्ण से निर्मित शब्द की अगर मैं बात करूं तो उसे आप और हम कह सकते हैं न, न एक वर्ण है ना, त थ द ध न, देवनागरी लिपि जब आप लिखते हैं तो उसमें एक है ना वर्ण त थ द ध न, नल जिसे कहते हैं, न से नल बोला न, तो न एक वर्ण से निर्मित शब्द यानी कि न है, एक वर्ण से निर्मित शब्द न, एक वर्ण है, एक वर्ण से निर्मित शब्द कौन सा, नहीं, न में ह की मात्रा लगी, नहीं, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, एक वर्ण से निर्मित शब्द, नहीं, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, पंकज, तीन उसमें वर्ण है ना, प का ज, प के ऊपर फिर बिंदी लगी है, उसी तरह सरोज, स र में ओ की मात्रा है, ज है, महान, ह में आ की मात्रा है, न है, तो ये अनेक वर्णों से, मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो यही जो वर्णों के सार्थक समूह है, तो ये जब एक वर्ण से निर्मित शब्द, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, शब्द के प्रकार में की बात कर रहा हूँ, एक वर्ण से निर्मित शब्द कौन से है, न, न से नहीं, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, पंकज, प है का इस्तेमाल हो रहा है वर्णों में, क का इस्तेमाल हो रहा है, ज का इस्तेमाल हो रहा है, फिर बिंदी का, चंद्र बिंदु का, बिंदी का, आ का उसमें इस्तेमाल होके वो पंकज हो रहा है, सिर्फ प का जर तो पकज, वो कुछ शब्द नहीं बनता, उसके कोई अर्थ नहीं होते, उसके कोई सार्थक अर्थ आपके समक्ष नहीं निकालते, सरज, सरज मैं लिख देता उससे कुछ शाब्दिक अर्थ निकलते, नहीं निकलते, लेकिन जब मैं र में ओ की मात्रा लगाता हूँ तो सरोज, तो सरोज यानी कि एक नाम है, सरोज के पीछे अर्थ है, महान, म ह में आ की मात्रा लगाता हूँ, छोटी ना लिखता हूँ, महान, म ह न लिख देता कोई नहीं, मोहन लिखता एक शब्द बनता है, महान लिखता हूँ एक शब्द बनता है, जिसकी बहुत ख्याति हो वह महान, तो इसी तरह से शब्द किसे कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को हम और आप साधारण रूपों में शब्द कहेंगे, और शब्द के निर्माण के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, वर्ण, वर्ण से दो वर्णों से एक शब्द बनता है, फिर कई शब्दों में व्याकरणिक गुण जब आते हैं तो वह एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत होता है, जिससे फिर आगे चल करके वाक्य बनता है, वाक्य से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ से पन्ने बनते हैं, पन्नों में फिर लिखा जाता है, पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ बनते हैं, तो इसी तरह से शब्दों के निर्माण के अनेक कारण रहे हैं। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, सब भारतीय संस्कृति के जब हम बात करते हैं तो शब्द को ब्रह्म के रूप में भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, वह कैसे किया जाता है इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, यानी कि शब्द में वह शक्ति होती है जो आपको, एक मुहावरा है साहित्य में, जब हिंदी साहित्य की बात करता है तो हाँ एक मुहावरा है कि भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि शब्द ये है जो आपको अर्श से, जो आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, यानी कि शब्द में वह शक्ति है जो आपको अपना बना सकता है और आपको दूसरे भी बना सकता है। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि बहुत हिंदी के बहुत पुराने शायर हुए, उनका एक शेर है कि बहुत सारे हथियार एक दूसरे से एक बार लड़ रहे थे, इस बात पे कि कौन इतना गहरा घाव करता है, और शब्द वहीं बगल में खड़ा हुए मुस्कुरा रहा था, तो है ना, इसका अर्थ है कि शब्द में कितनी ताकत होती है, कि शब्द आपको अपना बना सकता है, शब्द आपको 1 मिनट से भी कम समय में आपको पराया बना सकता है, आप मीठे बोलेंगे तो आप किसी के हृदय में बस के रहेंगे, अगर आप कड़वा बोलेंगे, क्लिष्ट बोलेंगे, तो आप लोगों से दूर होते चले जाएंगे, अपनों से दूर होते चलेंगे, इसको तो भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म करने का अर्थ है कि शब्द जो है वो ब्रह्म के समान है, जो भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा में ब्रह्म को सबसे महान माना गया है, पर ब्रह्म रहा एक शब्द आता है ना, तो ब्रह्म यानी कि सबसे महान, सबसे बड़ा ईश्वर, वो शक्ति को
कहा जाता है। तो उस शक्ति को, उसमें शब्द में वो शक्ति है जो उस ईश्वर के समान है, इसलिए भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो शब्द के अनेक भेद है, शब्द जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द में भेद, यानी कि शब्द तो बन गया लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने किसी भी शब्द को ला करके रख दिया और एक वाक्य के रूप में प्रयोग किया, नहीं, वाक्य रूप के रूप में जब शब्द प्रयोग होते हैं तो उसके कुछ अर्थ निकल करके आने चाहिए। यानी कि मैं जो इतनी बातें कह रहा हूँ, जब मैं इसे लिखूं तो एक पैराग्राफ में होगी, लेकिन अगर मैं उस सुनियोजित ढंग से उस पैराग्राफ को या अपनी बातों को मैं ना रखूं, मैं आपको अगर यहाँ पे हम दोनों पढ़ने यहाँ पे बैठे हुए हैं शब्द, मैं आपको कहूँ कि एक बात की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर ये करता था, तो आपके विषय से उसका कोई संबंध नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ ठीक है, वो एक कहानी के तौर पर मैं सुना दूंगी, एक बात की बात है, एक जंगल था, जंगल में शेर रह रहा था और शेर जो था जंगल का राजा, तो इस तरह से मैं कहते जा रहा हूँ। आप यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि यार हम लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे शब्द पढ़ने के लिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पे चर्चा करने के लिए, सर जंगल कहाँ से इसमें लिख करके आ गया? तो वही चीज है शब्दों के साथ, कि शब्दों को वाक्यों यूं ही नहीं समा दिया जाता, यूं ही नहीं लिख दिया जाता, उसके पीछे तो बहुत कुछ कारण होते हैं। उसके कारण ये होते हैं कि वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। बहुत सारे व्याकरण के, जब हम कारण की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण में, व्याकरणिक ढंग से व्याकरण के अंदर हम जाएंगे तो उसमें लिंगों के आधार पर, मतलब अगर मैं स्त्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो वह यहाँ पे किन्हीं का नाम ले रहा हूँ, तो वह यह कह रही थी, ये मुझे लिखना आता है। अगर मैं लिख दूंगा स्त्री के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, कहूंगा कि महादेवी वर्मा कह रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पे लिंगों में गलती हो जाती है, इस वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहा है, तो यह जो है, क्योंकि जब सब या बहुत सारे, बहुत यानी कि वहां पे बहुतों की संख्या है, वहां एक नहीं है, तो यहाँ पे फिर उस व्याकरणिक दृष्टि से भी, क्योंकि है बहुत सारे, बहुत मैंने कि एक नहीं है, एक जब व्यक्ति के लिए मैं बात करूँ कि राम वहाँ खेल रहा है, जब मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, रहा रहे फर्क आया ना। तो व्याकरणिक दृष्टि में शब्दों को जब लिखा जाता है या शब्दों को जब हम पेश करते हैं वाक्यों के आधार पर, तो हमें बहुत सारे व्याकरण को ध्यान में रखना पड़ता है, व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा हमारे शब्द जो है वो गलत हो जाएंगे, उसकी कोई कोई आधार नहीं बनेगा, शब्द के कोई अर्थ निकल के नहीं जाएंगे। तो उसे कहना ना कहना, लिखना न लिखना एक बराबर है, और कहा जाता है किसी को गलत ज्ञान देने से अच्छा है ज्ञान न देना। तो इस वजह से शब्दों में वह ताकत होती है, जब शब्दों को ब्रह्म के समान माना गया है तो शब्दों में ताकत कितनी होगी इसे आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो इसके कुछ नियम रहे हैं, कुछ भेद रहे हैं शब्दों के, तो उसी पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। तो जो शब्दों के भेद है, उस शब्दों के भेद की अगर हम चर्चा करते हैं तो वह मुख्य रूप से व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति व्युत्पत्ति उत्पत्ति, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसमें मैं चर्चा करूंगा कि क्या है। लेकिन पहले मैं बता दूं, शब्द के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से पहले होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरे होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तीसरे होते हैं प्रयोग के आधार पर। तो मुख्य रूप से यह तीन जो है, मुख्य रूप से यह तीन आधार हैं शब्द के भेदों के। पहला कौन सा है? व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो पहली चर्चा करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का क्या अर्थ होता है? व्युत्पत्ति यानी कि बनावट, बनावट के आधार पर शब्द के भी भेद होते हैं, बनावट। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि रूढ़ यौगिक तथा योग रूढ़, व्युत्पत्ति यानी कि बनावट के रूप में भी शब्दों में बहुत सारी भिन्नताएं होती है। तो उसके अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार पर भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं? व्युत्पत्ति यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। वो निम्नलिखित भेद क्या है? रूढ़ है पहला, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूप। अब रूढ़ क्या होता है? रूढ़ हम वह शब्द हैं जिन्हें अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, यानी कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। समझ लीजिए, वो थोड़ी सी समझने वाली चीज है, थोड़ी क्लिष्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। पहला ना बने हों, दूसरा है किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनके
टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। समझ में आया कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वो यौगिक कहलाते हैं, मतलब बहुत सारे शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है वो यौगिक कहलाते हैं। तीसरा है योगरूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योगरूढ़ कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ के उत्पत्ति के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के फिर हम जब अंदर जाते हैं तो वह मुख्य रूप से चार भागों में बढ़ जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य रूप से चार भागों में बढ़ जाते हैं, या उनके चार भेद हम कह सकते हैं। वो क्या है? पहला तत्सम, इसे आप सबने सुना होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं, जिनका साहित्य में जो बहुत सारे शब्द जिन्हें आप देखते हैं, तो जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो कहा जाता है ना हिंदी साहित्य का जो अपना भौगोलिक विस्तार है, भाषिक विस्तार है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे शब्दों का समायोजन है। हिंदी को जो आप पढ़ करते हैं उसमें अंग्रेजी के कई सारे शब्द प्रयोग होते हैं, संस्कृत के शब्द प्रयोग होते हैं, देशज शब्द प्रयोग होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द प्रयोग होते हैं, अरबी प्रयोग होता है, फारसी प्रयोग होता है, उर्दू प्रयोग होता है। तो यह सब के मेल से हम आज आप और हम हिंदी के जिस रूप को पढ़ रहे हैं उसमें इन सबों का भी एक मेल होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो वह भी चार रूप ढंग से नजर आते हैं, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। साहित्य में जो भी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से जो शब्द हमारे समक्ष आते हैं, साहित्य में जो घर कर गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है, हिंदी में से हम लोग आग उपयोग करते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि भूमंडल, जगह, यह एक शब्द के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यह क्षेत्र हुआ। फिर आगे चल के वायु, इसके अलग ऊपर, रात्रि, सूर्य, ये सब तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव की जब हम चर्चा करते हैं तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आया है, यानी कि वो हिंदी का मुख्य मूल शब्द नहीं है, वह बदल करके जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, पहले जैसे हम लोगों ने अग्नि चर्चा की कि संस्कृत से अग्नि शब्द हिंदी में आया, लेकिन हिंदी में वो अपने रूप को बदलकर आगे आग हो गया। ये भाषा परिवर्तन के भी कारण में आते हैं, इसके पीछे के तो बहुत सारे कारण रहे क्यों अग्नि से आग हुआ, वो अलग से बात करने की बात है। क्षेत्र, जैसे खेत, खेतों को हम लोग क्षेत्र भी बहुत सारे जगह बोलते हैं, उत्तर भारत में बहुत सारी जगह। रात्रि को हम लोग हिंदी में रात कहते हैं, सूर्य को सूरज, राजा को नृप, ये सभी जो शब्द है ये तत्व हम कहलाते हैं, यानी कि वो संस्कृत से आए लेकिन अपने रूप में बाद में बदलाव हो गया। आगे फिर जब चर्चा करते हैं देश शब्द, वे शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये जो शब्द है देशज, यानी कि गांव के शब्द, किसी एक विशेष वर्ग, किसी एक विशेष समाज, किसी एक विशेष जगह के शब्द हैं, लेकिन अपने आवश्यकता अनुसार और इनके इस्तेमाल करने वाले लोगों के द्वारा इतने प्रचलित हुए कि धीरे धीरे ये साहित्य में जगह बना। ये मुख्य रूप से जो है ये साहित्यकारों के द्वारा हुआ, क्योंकि जो हिंदी के साहित्यकार थे उनकी वो विशेष जगह से आते थे, गांव, परिवेश, समाज उनका अलग था, तो वहाँ के हर जगह की अपनी एक बोली बोली भाषा होती है। जैसे साहित्य में कहा जाता है ना कि चार कोश पे वाणी बदले और आठ कोश पे पानी, तो वही चीज है कि जब साहित्यकारों का आना शुरू हुआ साहित्य में तो जो देशज शब्द है देशज शब्द का भी प्रयोग आरंभ हो गया साहित्य में। जैसे कि अगर हम देशज कुछ देशज शब्दों की चर्चा करें तो जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, खटखटाना जो शब्द दरवाजों खटखटाते हैं हम लोग, यह एक कोई साहित्यिक शब्द नहीं है, यह एक देशज शब्द है जो बाद में धीरे से आकर के साहित्य में अपना जगह बना चुका है, अपना घर कर चुका है। विदेशज शब्द जो सबसे मुख्य चीज जो आज के समय में साहित्य में बहुत तेजी से देखी जाती है कि जो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं।
जैसे स्कूल, पुराने जमाने में आप देखिए जो शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में होती थी, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी औद्योगिकी क्रांति आई या ब्रिटिशर्स का आया, जब हम पाश्चात्य परंपरा हमारे यहाँ थोड़ी घर करने लगी, तो एक शिक्षा का नया एक अवसर दिखा, शिक्षा में नए प्रयोग हुए, जैसे शब्द के रूप में गुरुकुल के अलावा जो नए शब्द के प्रयोग में स्कूल आने लगे, अनार, अनार हिंदी शब्द नहीं, अनार फारसी का एक शब्द है, कैंची यह भी विदेशी शब्द है, आचार, आचार फारसी शब्द है, पुलिस, ये आज हम लोग पुलिस शब्द कितने ज्यादा यूज करते हैं हिंदी के शब्द में, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द है जिससे विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, जो साहित्य ने अपने में समा लिया है। इसके अलावा टेलीफोन, रिक्शा आदि ऐसे कुछ शब्द विदेशी शब्दों की सूची में आते हैं। तो बहुत सारे कुछ शब्द है, जैसे अंग्रेजी शब्दों की बात करें तो कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, ये सब अंग्रेजी शब्द है। फारसी की बात करें तो अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, ये फारसी के शब्द है। अरबी की बात करें जिसको जो विदेशी शब्दों के रूप में जो हिंदी में समा चुके हैं, फारसी के शब्द में, फारसी की तो बात कर ली मैंने, अरबी की बात करें तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये कुछ शब्द हैं। तो उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हिंदी में कई सारे विदेशी शब्दों की बात करते हैं, बहुत सारे शब्द। डच शब्द की बात करें तो बम, बम कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, एक डच शब्द है। जानते हैं कितनी तेजी से इसका इस्तेमाल चल रहा है। जापानी शब्द में रिक्शा, जैसे आज हम लोग ऑटो रिक्शा रिक्शा कहते हैं ना, जापानी शब्द है। यूनानी शब्दों में टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, ये सब यूनानी शब्द है जो हमारे आपके दिनचर्या में यूज करते हैं। चीनी शब्द में तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये चीनी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द में पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, फ्रांसीसी शब्द है। पुर्तगाली शब्द फिर है आचार, आल्पिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, ये पुर्तगाली शब्द है। तुर्की शब्द की बात करें तो कैची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, ये तुर्की शब्द है। अरबी की बात हो ही चुकी। तो यह जो मुख्य थे, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भेद कहते हैं। एक अन्य भेद है शब्दों में, वो है प्रयोग के आधार पर। जो शब्दों में भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर भी बहुत सारे भेद होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, जब आगे चल के हम बात करते हैं तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। वे कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे आप और हम लोग बहुत परिचित होंगे तो साहित्य की बात करते हैं, संज्ञा ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने जीवन में, स्कूल के दौर में व्याकरण के संदर्भ में आपने और हमने ना सुना हो या ना पढ़ा हो। तो एक शब्द है संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द के भेद है। उसके बाद अविकारी शब्द की बात करें तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यह अविकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो विकारी शब्द। जैसे नाम से पता है ना, जैसे कुत्ता से कुत्ते हो गए या कुत्तों हो गए। इसी तरह की जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैं जो है शब्द वो आगे बढ़कर मुझे हो गया, हमें जो है ये शब्द, हमें अच्छा कोई चीज शब्द के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, हमें अच्छा, ये आगे चल करके अच्छे के रूप में प्रयोग करते हैं। विकारी शब्द में जिन शब्द का रूप परिवर्तन होते रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी से शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ किंतु, किंतु शब्द कभी प्रयोग अपने आप में परिवर्तित नहीं होता, वो किंतु हमेशा ही रहता है, वो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नित्य, और, थे, अरे, ये शब्द में कभी परिवर्तन नहीं होता। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, इन सब का रूप हमें देखने को मिलता है। तो यह मुख्य रूप से आपके शब्द थे, शब्द शुद्धि की बात थी। इसके फिर और भी भेद है, अगर हम शब्दों के अंदर और जाएं तो इनमें और भी कई कई तरह से भेद आएंगे, जैसे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भेद के कौन से चरण है? एक है पर्यायवाची, दूसरा है विपदार्थक शब्द, तीसरा है समरूप, जिसे भिन्नार्थक भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द से व्याकरण में कहा जाता है, वो हो गए एकार्थिक शब्द। तो यह एक अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गए, और एक कई सारे भेद है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि
एक शब्द शब्द वही है लेकिन उसके अर्थ जो है वही रहेंगे, लेकिन उसके प्रति दूसरे एक शब्द प्रयोग हो जाए। जैसे सूर्य, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य के समानार्थी समानार्थी शब्द कौन सा होगा, रवि, रवि का मतलब भी सूरज होता है, सूर्य का मतलब ही सूरज होता है, लेकिन दो शब्द अलग है लेकिन उनका जो अर्थ है वो अर्थ एक ही है। जैसे सूर्य के लिए हम लोग रवि शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, सूरज शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से यह जो है यह पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जब हम थोड़ी से आगे और चर्चा करते हैं तो विप्रार्थक, विप्रार्थक यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द कौन से होते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले माने अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे जब पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी समान अर्थ, मतलब रवि का मतलब ही सूरज है, सूरज का मतलब भी रवि का मतलब ही सूरज है, सूर्य का मतलब ही सूरज है, भास्कर का मतलब भी सूरज है, आदित्य का मतलब भी सूरज है, शब्द अलग रहे हैं अर्थ एक हुआ। लेकिन विपार्थक शब्द की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें अपोजिट यानी कि एक दूसरे से भिन्न अर्थ वाले शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे अमृत विष, अमृत का काम क्या है, जीवन देना, विष का काम क्या है, जीवन खत्म करना, जीवन समाप्त करना। तो दोनों अपने आप में अपोजिट है, बहुत ज्यादा विपरीत शब्द है। जैसे सम्मान अपमान दोनों विपरीत है, प्रश्न का उत्तर विपरीत शब्द है, आदर अनादर विपरीत शब्द है, लेकिन ईश्वर, ईश्वर के प्रति हम प्रभु लिखें, ईश्वर के प्रति परमात्मा लिखें तो एक ही अर्थ हुआ। तो पर्यायवाची विलोम में यही अर्थ है कि पर्यायवाची जो है वो शब्द अलग होंगे, अर्थ एक होंगे, लेकिन विलोम शब्द में क्या है, अर्थ अलग होंगे, शब्द तो अलग होंगे नहीं, अर्थ भी अलग होंगे। तीसरा फिर एक आता है समरूप, जिसे भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, जिसमें एक उदाहरण के तौर पे हम आपको कह दूं, अनल आग, आग को अनल, अनिल का वायु, मेल का एकता, बेल का लता, तो यह जो है ये समरूप भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनेक शब्दों के लिए जैसे अनेकार्थी शब्द कहें तो जैसे तप का तपस्या हो गया, गर्मी हो गया, धूप हो गया, तप मतलब एक अर्थ है, एक शब्द है, उसके अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेकार्थी शब्द निकल कर आते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, माँ ने सोने का सुंदर हार खरीदा, यह एक मैं सेंटेंस कर रहा हूँ कि माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा, खेल में मोहन की हार हो गई। यहाँ पे शब्द क्या, हार दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो रहा है, एक जगह सुंदर हार, हार यानी कि एक आभूषण, और एक हार का मतलब क्या है, पराजय। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकल करके आते हैं। उसी तरह अनेकार्थी हो गए, एकार्थी यानी कि ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्नता होती है, वे एकार्थी प्रतीक होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे द्वेष किसी से शत्रुता का भाव, ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन, ईर्ष्या द्वेष यह एकार्थी प्रतीक होने वाले, ईर्ष्या द्वेष जब हम बात करते हैं, ईर्ष्या का मतलब जेलस, एक अंग्रेजी में अगर मैं उसका ट्रांसलेशन करूं द्वेष का मतलब जेलस निकलेगा, लेकिन दोनों में अर्थ है, दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन, इसे ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष क्या है, किसी से शत्रुता का भाव रखना, यह द्वेष कहलाता है। तो यह होते हैं एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। यह जो है यह आपके शब्द के कुछ चर्चा थी कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों के बनने के पीछे क्या कारण होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं। इन सब के अलावा भी बहुत सारे और भी जैसे भेद हैं, शब्द शक्ति भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं कि अभिधा लक्षणा व्यंजना इसके अंतर्गत आती है, कि जिससे शब्दों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब हम आगे बढ़ करके, क्योंकि आपका विषय थोड़ा सा बड़ा है, समय भी हमारे समक्ष थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो प्रश्न रहेंगे शब्द के संदर्भ, शब्द के संदर्भ में, तो आप लोग इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब हम आगे बढ़ के पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करते हैं, उसके बाद विलोम शब्दों की चर्चा करके अपने व्याख्यान को आगे लेकर के जाएंगे। पर्यायवाची शब्द जिसे अंग्रेजी में उसके अपोजिट में एक शब्द यूज किया जाता है, या पर्यायवाची शब्द को अगर हम कहें तो अंग्रेजी में इसके लिए सिनोनियम्स वर्ड शब्द, मतलब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। पर्यायवाची का शब्द क्या होता है, जिसे आप और हम अंग्रेजी में मुख्य रूप से सिनोनिमस वर्ड कहते हैं, जिसे SYNONYMS, सिनोनिमस वर्ड्स, यह अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। तो पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाला। पर्यायवाची मतलब किसी भी शब्द के, अगर साहित्य में कहा जाता है ना, किसी भी शब्द के अर्थ को अगर आपको समझना है तो
उसे आप टुकड़ों में बांट दें जिससे कि वह आपको समझने में आसानी होती है। इसी तरह पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं तो पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाला, यानी कि समान बोले जाने वाला, यानी समान अर्थ को बोले जाने वाला शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ, यानी कि दो अलग शब्द हो सकते हैं, तीन अलग शब्द हो सकते हैं, शब्द में अलगता है लेकिन उनके अर्थों में कोई अलग नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। शब्द अलग है, अर्थ एक है, यह हुआ पर्यायवाची शब्द। साधारण शब्दों में अलग शब्दों के एक अर्थ को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं, और एक उदाहरण इसका दे सकता हूँ, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द अलग भले हों लेकिन उनके अर्थ समान हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक और इसका अगर मैं उदाहरण के तौर पे एक और इसका व्याख्या दूं, इसका अर्थ को और दूसरे अर्थों में मैं कहूँ, तो समान अनेकार्थी शब्दों के पर्यायवाची शब्द का या समानार्थक भी कहते हैं। यानी समान अर्थ वाले शब्दों को, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और समानार्थक शब्द भी, यानी पर्यायवाची शब्द जब भी इस्तेमाल होते हैं तो पर्यायवाची को हम लोग समानार्थक भी शब्द भी कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिमस कहते हैं, उसी पर्यायवाची शब्द को हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं समानार्थी शब्द पूछे तो समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों एक ही है। मतलब आपके और आपके दो नाम होते हैं ना, एक घर का नाम है और एक निकले, तो वहां पे व्यक्ति थोड़ी बदल जाता है, वो आप ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक विद्यार्थी को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, लक्ष्मण साहू, लक्ष्मण जी का अगर विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय में नाम अगर लक्ष्मण है, घर में उनका नाम अगर उनका कोई अलग भी नाम हो, जैसा मैं उदाहरण के तौर पर इसे कह रहा हूँ काल्पनिक एक नाम रख दूँ, तो उनका नाम घर में कुछ, यहाँ पे लक्ष्मण है उनका नाम घर में राम हो, जरूरी थोड़ी है कि राम और लक्ष्मण अलग अलग हो गए। लक्ष्मण जी का विद्यालय का नाम लक्ष्मण है, घर का नाम राम है, और व्यक्ति तो एक ही है ना। तो उसी तरह से पर्यायवाची शब्द को ही हम लोग समानार्थक शब्द कहते हैं, समानार्थक शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, इसे थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर परीक्षा में कहीं आपको समानार्थी शब्द पूछ दिया गया, इसे समानार्थी शब्द लिखिए, आप कहेंगे नहीं सर ये तो हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, तो ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची कहा जाता है। दोनों मतलब एक सिनोनिमस वर्ड्स को हिंदी में दो नामों से जाना जाता है, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। मैं उदाहरण जैसा दे दूं, जैसे पहले ही मैंने उदाहरण दिया था जब हम शब्द पर चर्चा कर रहे थे, जैसे सूर्य, सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, याद होगा आप लोगों को, हिंदी के बहुत बड़े लेखक रहे हैं। तो सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, दिवाकर भी कहा जाता है, रवि भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है। अगर रवि नाम के एक विद्यार्थी को, भास्कर नाम के एक विद्यार्थी को मैं बुलाऊं और पूछूं आपके नाम का क्या अर्थ है, तो दोनों के नाम का अर्थ एक ही होगा, पर वो दो नाम वाले विद्यार्थी अलग अलग होंगे, शब्द उनके शब्दों उनके नामों के अर्थ एक ही होंगे। दोनों का नाम का अर्थ क्या होगा, सूरज होगा, सूर्य होगा, भास्कर होगा, ये नाम है। सूर्य को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, सदिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सबों का अर्थ एक ही है। इन सबका अर्थ क्या है, सूरज, सबके नाम का अर्थ एक ही है सूरज। इसी प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, जैसे बहुत सारे शब्द कहलाते हैं, जैसे अतिथि को हम लोग मेहमान के रूप में कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, पाहुना कहते हैं। पाहुना एक मिथिला शब्द है जिसे हिंदी में बहुत यूज किया जाता है, आप लोग ने कई भजन सुना होगा, एक बहुत अच्छे, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, है ना, कि हे पहुना मिथिले में रहू न, ये मैथिली शब्द है। जो पहुना जो शब्द है अतिथि के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होता है, पर उसका अर्थ जो है अतिथि ही होता है। जैसे और एक उदाहरण दूं तो अमृत, अमृत को हम लोग शुरभोग कहते हैं, सुधा कहते हैं, शोम कहते हैं, पीयूष कहते हैं, अमी कहते हैं, जीवन दो एक कहते हैं। तो ये सभी जो है, ये सभी के अर्थ एक है, शब्द अलग है, सबके सब के अर्थ एक ही है। पर्यायवाची शब्द का मैंने पहले कहा ना क्या क्या, कि वैसे शब्द एक जैसा, मतलब अगर इसका एक साधारण सा उदाहरण फिर से आप लोग को बता दूं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो
के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हीं का मैं और एक दो उदाहरण आप लोगों को दे दूं ताकि आपके जो मन में कुछ अगर शंका रहे तो दूर हो जाए। जैसे अगर किन्हीं का नाम अनुपमा हो या अनुपम हो, अनुपमा छोड़िए मैं अनुपम कह रहा हूँ, किन्हीं का नाम अगर अनुपम हो, अनुपम का अर्थ अगर मैं पूछूं तो अनुपम का अर्थ बहुत सारे शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे जिनका अर्थ अनुपम ही निकलेगा। जैसे अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। अगर मैं दो विद्यार्थियों को यहाँ पर कहूँ जिनका नाम, किसी का नाम अपूर्व होगा, किन्हीं का नाम अतुल होगा, उनको मैं पूछूं कि आपके दोनों विद्यार्थियों आप लोग यह बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या, आपके नाम का अर्थ क्या होगा, तो उनके नाम का जो अर्थ है वो समान ही अर्थ होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर अपूर्व का नाम का अर्थ अनुपम है तो अतुल के भी नाम का अर्थ अनुपम होगा। ऐसा नहीं कि अतुल के नाम का अर्थ सूर्य हो जाएगा, नहीं, सूर्य के अगर हम लोग बात करें सूर्य के नाम का तो सूर्य के नाम के फिर अलग अर्थ होगा। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ सूरज ही निकलेगा। तो यह मुख्य रूप से आपके जो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द का ठीक अलग अगर हम लोग बात करें, आप लोगों के पाठ्यक्रम में विलोम शब्द दिए गए हैं, तो विलोम शब्द जो है ठीक विपरीत शब्द होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में क्या होता है, शब्द अलग होते हैं, अर्थ एक होते हैं, लेकिन जब हम विलोम शब्द की बात करते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंटोनिमस शब्द भी कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। यहाँ पे क्या होता है, समानार्थी शब्द में क्या होता है, शब्द अलग होते हैं। समानार्थी शब्द की जो हम बात करते हैं तो शब्द अलग होते हैं, अर्थ एक होता है। यहाँ शब्द भी अलग होते हैं, अर्थ भी अलग होता है। विलोम शब्द में क्या होता है, शब्द भी अलग होता है, अर्थ भी अलग होता है। तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्दों, क्योंकि जब हम आप समानार्थी या विलोम शब्द की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से उसके बारे में किसे कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, यह जानना बेहद जरूरी है। कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है। जैसा हम जब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द को, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहा जाता है, उसी तरह विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि अगर आप लोग कहेंगे सर हमारे कोर्स में तो विलोम शब्द लिखा गया है, परीक्षा में आपने विपरीतार्थक शब्द पूछ लिया इसलिए हम लोगों ने नहीं लिख पाया, तो उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यानी कि विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी विपरीत अर्थों वाला, और विपरीतार्थक शब्द को ही विलोम। जैसा अंग्रेजी का एंटोनियमस वर्ड्स के लिए हिंदी में दो शब्द का प्रयोग होता है, विलोम और विपरीतार्थक, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों भिन्न नहीं है। तो इसलिए इसकी परिभाषा के तौर पर अगर आपको पूछा जाए कभी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं या विलोम शब्द क्या होते हैं, तो दोनों की परिभाषा एक सी ही होगी, कोई अलग परिभाषा दोनों की नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में और एक उदाहरण अगर आपका दूं, तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द यानी कि दो शब्द हैं दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा, जैसे अपेक्षा, नगद, आय व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन, ये दोनों एक दूसरे का उल्टे अर्थ दे रहे हैं। नवीन नया, प्राचीन पुराना, आय यानी कि कमाई, व्यय यानी कि खर्च, तो दोनों एक दूसरे के उलट अर्थ दे रहे हैं। अतः विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला शब्द। विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चर्चा करें विलोम शब्द की, कुछ विलोम शब्दों की अगर मैं यहाँ उदाहरण के स्वरूप में बताऊं, जैसे एक शब्द अमृत, अमृत का उलट क्या होगा, विष। ये किसमें, विलोम में। जब हम पर्यायवाची में बात कर रहे थे तो अमृत के लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, पीयूष, यानी कि पीयूष का मतलब अमृत है, अमृत का मतलब भी अमृत है। लेकिन जब हम विलोम में आ जाते हैं तो अमृत का जो शब्द उसका अर्थ होता है उसके अपोजिट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा विष। अंधकार को अगर मैं कहूँ, आप कैसे किसी को पूछो कि अंधकार का विलोम बताइए, तो अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का विलोम होगा प्रकाश अथवा उजाला। अंधेरा के लिए उजाला, अंधकार के लिए प्रकाश, अनुराग के लिए विराग, आगामी के लिए गत, अनुज के लिए अग्रज। अनुज का मतलब पता होगा ना, अनुज यानी कि छोटा, अग्रज यानी कि बड़ा। आप में से कोई अगर भाई बहन होंगे तो आप लोग के अनुज यानी कि छोटे भाई बहन को अनुज कहते हैं, बड़े भाई बहन को अग्रज कहा जाता है। उसी तरह अधिक का अगर हम लोग विलोम शब्द हैं तो अधिक का न्यून, न्यून यानी कि बहुत कम, अधिक यानी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमम,
आप लोग अगर देखते होंगे जो कुछ चीजें खरीदते होंगे तो पीछे प्राइस टैग में लिखा था ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिनिमम रिटेल प्राइस, तो वही अधिक और न्यून जो है यह उसी के रूप में, अधिक का अर्थ होता है मैक्सिमम, न्यून का मतलब यानी कि मिनिमम। उसी तरह और एक दो शब्दों की अगर मैं बात करूं तो अर्थ, अर्थ यानी कि इति, अर्थ यानी कि अर्थ का विलोम हो जाएगा इति, अल्पायु दीर्घायु, आदि का अंत, आग्रह का दुराग्रह, आकर्षण का विकर्षण, आदान का प्रदान, अर्थ का अनर्थ, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आय का व्यय, ये कुछ उदाहरण हैं विलोम शब्दों के। तो ये आपके आज के पाठ्यक्रम यही शब्द पर्यायवाची विलोम और वाक्य शुद्धि या कुछ आपके टॉपिक थे जिस पे मैं अपनी ओर से अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं और इसमें ज्यादा बोलूंगा तो कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होगा। मैंने उदाहरण के स्वरूप समझाने का आपको प्रयत्न किया। इसके इतर अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अपने प्रश्न यहाँ पे चैट बॉक्स आपको एक दिख रहा होगा उस पर लिख करके पूछे, अन्यथा आप लोग चाहें तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है, आप लोग अपने सब प्रश्नों को पूछे, उसके उपरांत हम इस कक्षा को फिर समापन की ओर लेकर के जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के प्रश्नों का इंतजार करता हूँ, आप लोग प्रश्न दें उसके उपरांत उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम लोग इस कक्षा को अंत की ओर लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। चिन्हों के कोई प्रश्न मुझे यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहे होंगे। चलिए अगर आपको कोई अगर प्रश्न ना हो मन में तो इसके इतर भी अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न आए तो आप लोग से अनुरोध रहेगा कि शेफाली पटनायक जी ने अपने माइक को अनम्यूट किया। शेफाली जी आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, धन्यवाद करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो विद्यार्थियों धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप लोगों ने कक्षा में अपनी सहभागिता दिखाई। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिख करके प्रकट करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनी हुई है ऑफिशियल, आप लोग वहाँ भी अपने प्रश्न लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप जब चाहें अपने पाठ्यक्रम से संबंधी अपने प्रश्न मुझ तक रख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इसी के साथ इस कक्षा को मैं औपचारिक तौर पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। आज की जो हमारी तकनीकी सहयोगी थी रुंता मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कल एक कक्षा है आपके ही MIL की, आप सभी से अनुरोध है उस कक्षा को जरूर करें, क्योंकि उस कक्षा के विषय विशेषज्ञ हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा सर रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कल की कक्षा जरूर करें और आग्रह रहेगा, विशेष आग्रह कल की कक्षा में सहभागिता जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ।